बिहार सरकार जिस तरीके से हिटलर शाही के तरह शिक्षक अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे हैं वह स्पष्ट दिख रहा है। एक तरफ जहां शिक्षा विभाग के तरफ से माध्यमिक शिक्षा निदेशक के तरफ से लेटर निकाला गया जो उचित लेटर है कि पहले आप रिजल्ट प्रकाशित कीजिए तब वेरिफिकेशन कीजिए, नियुक्ति देने से पहले वेरिफिकेशन किया जाता है और जबरदस्ती सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को बीपीएससी के तरफ से वेरिफिकेशन किया जा रहा है जबकि उनको पहले रिजल्ट जारी करना चाहिए था तब वेरिफिकेशन। या एक सोची समझी प्लानिंग है बिहार सरकार का कि हम इतने नौकरी बांट रहे हैं जबकि नौकरी देने के लिए ये लोग नहीं कर रहे हैं या सिर्फ घुड़दौड़ करवा रहे हैं पूरे जिले में और 300 जिले में जिस तरीके से अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है और बीपीएससी भी अपने अनुसार काम कर रहा है जबकि शिक्षा विभाग का निर्देश कुछ है और है और बीपीएससी अपने हिसाब से कर रहा है। इससे तो स्पष्ट हो गया कि अभ्यर्थियों को नौकरी देना नहीं है सिर्फ परेशान करना है, परेशान करने में बीपीएससी लगे हुए हैं। जब शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह हुआ है कि सत्यापन किया गया जिसमें हमारे पदाधिकारी को बिना अनुमति के लिया जा रहा है जबकि यह नियमावली में 9K1 में ऐसा कुछ नियम नहीं है, नियम के विपरीत जाके ये लोग काम कर रहे हैं और तो और अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है। एक बात जान लीजिए, बिहार सरकार को मैं कह देना चाहता हूं पूरे बिहार की जनता आपके कुकृत्य को देख रही है। पिछले 4 सालों से आपने सोए हुए थे और जिस तरीके से बुलेट ट्रेन के तरह अभी चल रहे हैं और ट्रेन में कोई ब्रेक नहीं है, आपका ब्रेक भी नहीं है, सिर्फ आप घुड़दौड़ कर रहे हैं, बच्चे को परेशान कर रहे हैं सत्यापन के नाम पे जबकि सत्यापन के नाम पे वहां कुछ नहीं हो रहा है। आप पहले रिजल्ट प्रकाशित करते ना तब ना सत्यापन। अभी 8 लाख अभ्यर्थियों का सत्यापन करने का जो आप खेला खेल रहे हैं इससे बच्चे का मानसिक प्रताड़ना हो रहा है। बच्चे को तो लग रहा है कि नौकरी हो जाएगी, उनके गार्जियन को भी लग रहा है नौकरी तो आप दीजिएगा नहीं। तो आप सीधा सीधी बात है बिहार के बच्चे का भविष्य के साथ खेल रहे हैं, दूर नहीं है। एक बात जान लीजिए, सबका बदला लेगा बिहार का जनता आपसे, सबका बदला लेगा। आपने जिस तरीके से 4 सालों से बच्चे को परेशान किया है, अभ्यर्थियों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को, और अभी भी परेशान कर रहे हैं, सबका बदला 24 आ रहा है और 25 आ रहा है। हम लोग का एक ही हथियार है ना, वोट, आम आदमी का वोट है ना, तो हम वोट से बदला लेंगे। अब बताएंगे आपको कि क्या होता है, जब मन हो तब जो नियम हो, कोई नियम ही नहीं है आपके लिए, हम लोग के लिए नियम है। बिहार में ऐसा कभी नहीं हुआ था जिस तरीके से आप कर रहे हैं, आयोग कुछ कर रहा है, जिला शिक्षा ये माध्यमिक शिक्षा निदेशक एकदम सही कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा निदेशक के तरफ से जो लेटर आया है एकदम सही लेटर आया है, नियम संगत आया है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार सरकार के तरफ से सह दिया गया है बीपीएससी को जिसके कारण बच्चे को परेशान किया जा रहा है। याद रख लीजिएगा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है, बच्चे को आप प्रताड़ित कर सकते हैं लेकिन उसके अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। वह अधिकार दिखलाएगा वोट से, वोट से दिखलाएगा, आपको बताएगा और आपको परास्त कर देगा, परास्त कर देगा, किसी भी सूरत में आपको आवश्यकता में नहीं आने देगा।